नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अजय जी के हब में। तो बहुत ही लंबे टाइम के बाद में जो आपके सामने मैं क्लासेस लेके आ रहा हूँ, है ना, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। बट आपको पता है यार, शादी ब्याह के काम से फ्री हुए, फिर उसके बाद में लगातार कंटिन्यू क्लासेस, तो टाइम निकाल ही नहीं पाया ना। चलो तो सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं, तो बच्चे कह रहे थे सर जो लैब असिस्टेंट की परीक्षा आ रही है उसके अंदर हम कैसे पढ़ें, क्योंकि बच्चे जो है ट्वेल्थ करने के पश्चात भी जो है लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको पता है, तो उसमें थोड़ा सा उनको ऐसे लगेगा अभी, हाँ सर कैसे करें, कैसे जीके को एडजस्ट करें, क्योंकि उन्होंने साइंस ही साइंस पढ़ी है, जीके को कैसे करें सर, जीके के तो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं ना सर, उसमें कैसे हैंडल करें। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 2016 और 18 के पेपर को भी अपने जो है उसमें क्या बातें रही उसको भी कंपेयर करेंगे, उस पर भी एक वीडियो लेके आएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो जीके वाले जो 50 क्वेश्चन है, जैसे कि अपना थंबनेल भी है, राजस्थान के जीके के जो 50 प्रश्नों की जो है मजबूत तैयारी कैसे करें, उन पर क्या चर्चा रहने वाली है दोस्तों, वो विचार करते हैं। तो देखिएगा, देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं भी जो प्रयोगशाला लैब असिस्टेंट का पेपर है दोस्तों, इसके अंदर आपको पता है भी, वैसे देखा जाए तो पेपर की दिनांक भी आपको पता है दोस्तों, फाइनल हो चुकी है, जून के लास्ट तक जो है ये पेपर हो सकता है, जून के लास्ट तक जो है ये पेपर हो सकता है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। चलो फिर भी अपने देख लेते हैं, कोई बात नहीं, अपना जो मेन टारगेट है वो पूरा करते हैं। सर ये 50 जो क्वेश्चन है किसके सर, जीके वाले, इनको कैसे हैंडल किया जाए सर, क्या जो है इसमें किया जाए। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन में से मान के चलो अपने जो है चार पार्ट रहने वाले हैं, इसमें चार पार्ट रहने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों मैं आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूं 20-50 क्वेश्चन पे जो है कैसे सिस्टम रहेगा सेट। तो दोस्तों इसके अंदर देखो, राजस्थान से संबंधित आपको जियो पूछी जाएगी, आपको कल्चर पूछा जाएगा, आपको दोस्तों हिस्ट्री पूछी जाएगी, और आपको दोस्तों करंट का भी जीके जो है इसमें पूछा जाएगा। तो चार पार्ट के अंदर दोस्तों 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जिसमें से मैं दोस्तों किसका वेटेज ज़्यादा रहेगा ये भी आपके साथ मैं डिस्कस कर सकता हूँ, किन के आधार पर, 2016 और 18 की वैकेंसी के आधार पर, ठीक है। जिसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान जियोग्राफी जो है इनका, और सर कल्चर और हिस्ट्री का पोर्शन जो है वो सेम रहने वाला है। नेक्स्ट उसके बाद में करंट के दोस्तों जो सर अलग से क्वेश्चन है, मान के चलो सर 5 से 7 क्वेश्चन आपके इधर जो है जाने वाले हैं, करंट के क्वेश्चन भी आएंगे, ध्यान रख लेना दोस्तों, जीके के अंदर जो है वो करंट के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ये बात मेन ध्यान रखनी है। तो सर राजस्थान की जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी उस पर बात करते हैं, तो जियोग्राफी के दोस्तों मान के चलो आपको 12 से लेकर 15 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर मिल सकते हैं, हो सकता है इससे प्लस भी जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों 15 क्वेश्चन तक आपको जियोग्राफी के मिलेंगे। दोस्तों अगर देखा जाए कल्चर के क्वेश्चन, क्योंकि सर अपने पास में 5 से 7 क्वेश्चन अगर करंट जीके के पूछे जा रहे हैं, तो अपने पास लगभग सर 43 क्वेश्चन बच जाते हैं, तो अभी तक तो दोस्तों 15 क्वेश्चन हुए, तो लगभग आपने देखा जाए तो सर 28 क्वेश्चन जो है अपने पास अभी पड़े हैं। तो 28 क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि सर 25 से 28 क्वेश्चन जो है आपके कल्चर और हिस्ट्री के रहने वाले हैं, कल्चर और हिस्ट्री के रहने वाले हैं, ये संभावना व्यक्त है। इधर से इधर भी जा सकता है वेटेज, इधर से इधर भी जा सकता है, यानी कि सर अब की बार मैं आपको बताऊं, कल्चर के क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा एग्जामों के अंदर प्रभावी रह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है संस्कृति हमारी, और संस्कृति लगातार अपने भूलते हुए जा रहे हैं, तो उसको आधार पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कल्चर के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं यार, है ना। तो सीधी सीधी बात है, मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा क्या रहेगा सर, जियोग्राफी के अंदर सर आपने पहले संभावना व्यक्त की 12 से 15, अभी मैंने फिर यहां पर कितने हो गए सर 25 से 28 क्वेश्चन इधर कल्चर और हिस्ट्री से संबंधित बता दिए, 5 से 7 क्वेश्चन, एक संभावना और भी है सर, इसका अगर इधर वाला वेटेज किया जाए और इसका इधर वाला वेटेज किया जाए तो क्या होगा सर, देखिएगा, गुड अभी देखना जियोग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर और करंट का जीके, ठीक है ना। अब देखिएगा सर, चार पार्ट है, चार पार्ट को कैसे ऐसे इस तरीके से सेट किया जाए सर, मैंने अभी बात की थी दोस्तों 12 से 15 क्वेश्चन इधर सर, फिर इसके बाद में कि सर मैंने कहा 25 से 28 क्वेश्चन जो है वो इधर आने वाले हैं, नेक्स्ट सर 5 से 7 क्वेश्चन इधर आने वाले हैं। अब एग्जामिनर जो है कैसे सोच सकता है, वो कर सकता है दोस्तों मैक्सिमम यहां पर 10 क्वेश्चन कर सकता है, मैक्सिमम यहां पर कितने करेगा 10, जिनमें से दोस्तों ध्यान रखना दिवस आप जरूर पढ़ के जाना, जैसे कि 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस आता है सर, उसी तरीके से आप जनसंख्या वो सॉरी दिवस जो है वो जरूर पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा उसके आधार पर, ठीक है ना। और दोस्तों करंट जीके से जुड़े क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। अब यहां पर सर अपने पास में बचता है, इधर भी 20 का बचता है और इधर भी 20 का बचता है, ठीक है।
ठीक है ना। अगर दोस्तों इधर क्वेश्चन कम होते हैं तो वो संभावना जाएगी इधर ज्योग्राफी के अंदर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों कल्चर और हिस्ट्री को एक कंबाइंड सब्जेक्ट मानकर ये जो है पेपर बनाता है। ध्यान रखना ये बोर्ड जो पेपर बनाएगा वो कल्चर और हिस्ट्री को कंबाइंड मान के बनाएगा, तो दोस्तों इनका वेटेज बराबर रहेगा। अगर यहाँ से चार क्वेश्चन कम होते हैं तो सर प्लस दो इधर हो जाएंगे। समझ में आ रही है क्या? यानी कि सर इसके दो सब्जेक्ट और ये अकेला, तो देखा जाता तो सर ज्योग्राफी जो है वो आपको छोड़नी नहीं है, ज्योग्राफी आपको छोड़नी नहीं है। हिस्ट्री के अंदर आपको क्या पढ़ना है, कल्चर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, उसमें भी थोड़ी थोड़ी बातें अपने कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों क्या रहेगा जियोग्राफी के अंदर। दोस्तों फिक्स जो टॉपिक है याद करने वाले, जैसे कि सर अभ्यारण्य हो गई, सर जैसे कि सर झीले हो गई, नहरें हो गई, नदियां हो गई, ठीक है ना, बांध हो गए, ये दोस्तों जो टॉपिक है आपके रटे रटाए टॉपिक होते हैं। समझ में आ रही है? खनिज हो गए, खद्यान्हें कौन कौन सी है, नेक्स्ट उसके बाद में सर खान जो मिलती है, शीशे जस्ते की खान है, चाहे वो संगमरमर की खान है, कैसे भी है दोस्तों, वो आपको याद करनी पड़ेगी। उसके बाद में दोस्तों जियोग्राफी का मेन टॉपिक जो आता है वो आता है सर भौतिक स्वरूप। कौन सा आता है? भौतिक स्वरूप आता है, ठीक है ना। तो सर ये टॉपिक अपना अच्छा है जिसमें से आपको तीन से चार क्वेश्चन मिलेंगे। भौतिक स्वरूप से आपको कितने मिलेंगे? तीन से चार क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। उसके अलावा दोस्तों जनसंख्या का भी टॉपिक इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर दोस्तों आपको कृषि का भी पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर दोस्तों जलवायु भी पढ़नी पड़ेगी आपको, इसके अंदर दोस्तों आपको देखा जाता है तो सर रेड क्लिप भी पढ़नी पड़ेगी, है ना, यानी कि सीमावर्ती राज्य वगैरह जो है। सर जिलों के पुराने नाम यानी कि प्राचीन नाम भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, प्राचीन नाम भी पढ़ने पड़ेंगे, संभाग भी पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों। संभाग कौन सा संभाग किस जिले में, कौन सा जिला किस संभाग में आता है, किस जिले किस संभाग की जो स्थापना किसे हुई थी, पुनः संभागीय व्यवस्था वगैरह, हर एक संभाग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मुख्यालय नजदीक कौन सा है, दूर कौन सा, राज्य नजदीक कौन सा लगता है, कौन सा देश में लगता है, कौन राज्य सीमा बना रहा है, कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, यानी कि सर ऐसे कुछ टॉपिक जो है आपको सर जियोग्राफी के अंदर देखने पड़ेंगे। उसके बाद में सर अपना जो टॉपिक है उस पर विचार करते हैं। देखिएगा सर हिस्ट्री और कल्चर की अगर बात आती है तो सिंपल सा बता देता हूं दोस्तों, हिस्ट्री के अंदर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में ध्यान रखना, यानी कि आधुनिक इतिहास जो है अपना, कौन सा इतिहास है दोस्तों, आधुनिक इतिहास, इसके अंदर दोस्तों आपको देखना पड़ेगा। ये आधुनिक इतिहास ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं बता देता हूं। इसके बाद में दोस्तों प्राचीन इतिहास की अगर बात आती है, यानी कि एशियंट हिस्ट्री की बात आती है, जिसमें दोस्तों आपके क्या है, एक तो सभ्यता पूछी जा सकती है, सभ्यताएं, ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अभिलेख पूछे जा सकते हैं, अभिलेख, ठीक है, और उसके अलावा सर क्वेश्चन किसका बन सकता है, सिक्कों का। यानी कि सर तीन टॉपिक जो आपके प्राचीन के अंदर पूछे जाएंगे, आधुनिक के अंदर दोस्तों कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं देखिएगा, आधुनिक इतिहास के अंदर एक दोस्तों 1857 की क्रांति, किसकी क्रांति है दोस्तों 1857 की क्रांति है, एक दोस्तों किसान आंदोलन आएंगे, किसान आंदोलन दोस्तों, यानी कि जैसे सर इसमें आपको जनजाति आंदोलन भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके अंदर सर किसान आंदोलन के अलावा तीसरा पॉइंट जो आता है दोस्तों प्रजा मंडल आएगा, और लेटेस्ट और सबसे बाद में जो हुआ वो सर एकीकरण, ठीक है ना, तो सर आजादी के पश्चात तक चलने वाला सर एकीकरण ही था। तो 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजा मंडल और एकीकरण, ये चार टॉपिक सर आधुनिक में आएंगे। अब बात आ जाती है दोस्तों मेडाइवल की, जो मेरे नजरिए में साइंस के बच्चों को छोड़ना ही उचित रहेगा, मेरे नजरिए में बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इतना मैटर आपको ज्यादा जो है सफलता दिलाएगा, यानी कि इतना मैटर तो हो गया मतलब लगभग सर 30 पेज का, और वो अकेला मैटर होगा 50 पेज का, जिसमें से क्वेश्चन आना है एक या दो, इनका सर 30 पेज में से क्वेश्चन आने हैं सर 6 से 7 प्रश्न आने हैं, तो सर जो ज्यादा बेनिफिट वाला कौन सा है, ये वाला है या नहीं है, तो ये चीज आपको ज्यादा इसमें फोकस करना है। इसके बाद में कल्चर का मैटर आता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, आपको जो है दोस्तों इसके अंदर जो है शुरू करना है क्या, छतरी, बावड़ी कौन सी कहां पर है, बावड़ी कौन सी है, मंदिर कौन सा कहां पर है, कौन सी मस्जिद कहां पर है दोस्तों, ये बात भी याद रखना, मंदिर मस्जिद, ठीक है, ये तो है फिक्स टॉपिक रटने वाले, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि सर मेले आ गए, मेले त्योहार का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा मेले और त्योहार का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट इसके बारे में दोस्तों लोक देवी देवता, लोक देवी देवता
क्वेश्चन मिलेगा आपको दोनों टॉपिक से, संत से भी टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा, लोक संत जो है उनसे भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट इसके अलावा सर कल्चर के अंदर और क्या पूछा जा सकता है, दुर्ग पूछा जा सकता है, महल पूछा जा सकता है। तो दुर्ग और महल सर ये भी रट्टा मारने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आगे वाले एग्जाम में साइंस वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ ना मैं, साइंस वाले बच्चों के लिए बात बोल रहा हूँ सर, उनके लिए थोड़ा सा भी जो है थोड़ा अटपटा लगेगा। क्योंकि 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 उन्होंने सर इतने टाइम तक सिर्फ और सिर्फ साइंस पढ़ी है, उनका जीके से कोई ताल्लुकात नहीं रहा, तो सर थोड़ा अजीब लगेगा दोस्तों, लेकिन नामुमकिन नहीं है ऐसी बात सोचना अभी सर, हम कर नहीं सकते, आप कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर ये सारा मैटर इस तरीके से करने के पश्चात करंट के अंदर दोस्तों आप क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हो, क्रोनोलॉजी ले आओ ठीक है ना, और रोजाना जो है दोस्तों न्यूज़पेपर है उसको 30-40 दिन तक पढ़ते रहिए, ज़्यादा ना तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन जो है वो आपको मिलने ही वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोरोना काल से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या क्या योजनाएं बनाई गई, क्या क्या नहीं दोस्तों, कौन सा ओलंपिक से संबंधित भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो अभी पीछे ओलंपिक चले थे उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिवस का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो मैंने दोस्तों ये कुछ एक डिस्कशन जो किया है आपके लिए, ये किस पर आधारित है, ये दोस्तों जीके के जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, जो सब पर भारी पड़ेगा, खास करके साइंस के स्टूडेंट्स पर जिन्होंने जीके नहीं पढ़ रखा है। हाँ दोस्तों ध्यान रखना, इसमें सेकंड ग्रेड वाले बच्चे भी एग्जाम देंगे, फर्स्ट ग्रेड वाले भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम देंगे, जिनका दोस्तों जीके अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिनका जीके अच्छे से पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ा है। लेकिन कुछ बच्चे फ्रेशर्स हैं उनके दिमाग में सर, उन्होंने नौकरी लगना उनके लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन सर वो जीके का जो है मैटर वो थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, तो उनके लिए ये बात मैं बता रहा हूँ भी, वो डगमगाने की कहीं पर ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर ये 50 क्वेश्चन में से आप अगर यहाँ पर 30+ क्वेश्चन भी अपने जो है टारगेट लेके सही करते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। क्योंकि साइंस वाले के अंदर भी दोस्तों अपने जो है चर्चा करने वाले हैं एक वीडियो के अंदर, उसमें मैं आपको ये कंपेयर करके टोटल स्कोरिंग भी आपको जो है यहां पर बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, क्या चाहिए इसके अंदर आपका कोई सवाल जवाब, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा यार, है ना। तो काफ़ी समय बाद जो है अपने क्लास लेके उतरे हैं, और आगे दोस्तों क्लासेज आपके लिए कोई सीरीज़ वगैरह लेके आएंगे सोच रहे हैं, संभावना व्यक्त की जा रही है ना, पर बहुत जल्द होने वाला है, जो कुछ भी होगा सरप्राइज़ मिलने वाला है आपको। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, और इस पर आधारित 2016 और 18 के अंदर क्या रहा था पेपर, उस पर जो है अपने चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में।